हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। अभी तक मैंने ठीक से बार भी नहीं बनाया क्योंकि एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। 8 बजे कूरियर बॉय आया था, मुझे कूरियर दे के गया है। हालांकि ये जो है मेरी गर्लफ्रेंड ने भेजा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो भी है मैं थंबनेल के अंदर यानी पोस्टर के अंदर लिख दूंगा। आपको गैस करना है कि इसके अंदर क्या है। एक्चुअली ऑलरेडी मैं इसके अंदर जो भी है वो थंबनेल के ऊपर लिख देने वाला हूँ, तो आप फटाफट से जो है कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मैं देखता हूँ कितने लोग सही से कमेंट करते हैं, तो मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए इसके अंदर क्या है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपने कमेंट की है तो कमेंट को डिलीट मत करना और कमेंट को एडिट भी मत करना, ठीक है ना। वीडियो खत्म होने के बाद कॉमेंट को डिलीट मत करना और एडिट भी मत करना। अभी लिखिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए क्या भेजा है, ठीक है। फटाफट से कॉमेंट कीजिए, तब तक मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो कैची बैची तो लाया नहीं, बस ऐसे ही बैठ गया हूँ क्योंकि टाइम है नहीं, जाना है ऑफिस। लेकिन फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर लिखा है विलन विलन विलेन विलेन विलन तो स्पेलिंग नहीं है, लेकिन विलेन ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। इसको खोल लेते हैं फटाफट से, इजी ओपनिंग। मिस्ट्री बॉक्स, मिस्ट्री बॉक्स। हालांकि जो भी चीज़ें होती है, जो सीक्रेट चीज़ होती है, वो जब भी कोई भेजता है तो ऐसे सीक्रेट बॉक्स के अंदर भेजता है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है और इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है लेकिन अंदर क्या है ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है मिस्ट्री बॉक्स, के अंदर से क्या निकलने वाला है वो फटाफट से खोल लेते हैं। ओह माय गॉड, जो मैंने सोचा था वही निकला है। तो ये है दोस्तों विलेन विलेन, मुझे लगता है इसके अंदर स्पैक्स होगी यानी कि चश्मे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने सही से गैस किया होगा और बड़े हराम ही हो बेटा आप लोगों ने जो भी कमेंट किए होंगे, ठीक है ना। अभी इसको खोलते हैं फटाफट से। ये देखिए भाई साहब, एक्चुअली ये बॉक्स जो है ये बॉक्स काफ़ी हार्ड है, तो आप अगर इसके ऊपर बैठ जाओगे तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे देखो ये दिया है हुक, तो ये हुक का फायदा ये है कि आप जो है कहीं भी अपनी पैंट वगैरह के जो हुक के अंदर है टांग सकते हैं, बैग के अंदर टांग सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर इसको टांग सकते हैं। तो इसको इस तरह से होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर यहाँ पे भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़। और कुछ नीचे गिर गया है, तो ये है छोटा सा रुमाल जो इसका जो ग्लास है उसको साफ करने के लिए। तो क्वालिटी बेहतरीन, बढ़िया, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी का है ये। अब इसको ओपन करते हैं। हालांकि ऐसे स्पैक मेरे पास नहीं थे, ब्लॉग बनाने के ऐसे स्पैक ज़रूरी थे और वो आ चुके हैं मेरे पास। तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसको बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहाँ ब्रांडिंग है विलेन, ये ब्रांडिंग है और ग्लास है कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं, आप बताइए मुझे कैसा लग रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी बढ़िया है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। और जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए आप इजी टू वेयर, तो थोड़ा सा इस तरह से भी होता है। तो ये फ्री साइज़ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्वालिटी की बात करें तो ऑसम क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है। और इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी प्रीमियम क्वालिटी मिलना नामुमकिन है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, हालांकि ग्लास नहीं है लेकिन बढ़िया है। और सन प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस के तौर पर आपको यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगते हैं ये स्पेक्स, अगर लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्पेक कैसे लगे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, 5 में से मैं इसको देता हूँ 5, यानी कि 5 out of 5 star। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो है ये वाली चीज़, ये काफ़ी सॉफ्ट है
तो आप ज्यादा टाइम पहनोगे तो यहाँ पे जो है तो छेद जैसा हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बाकी लुक बहुत ही बढ़िया है और आप देख सकते हो थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। आपको कैसा लगा ये स्पेक और मेरा सरप्राइज गिफ्ट मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से जो भी आया है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, अब मैं जाता हूँ ऑफिस, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।